हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि कोट कॉलर कैसे बनाते हैं और एकदम परफेक्ट कुर्ती बनाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका। उसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को आगे के पार्ट को कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा ले लिया है। इसको डबल पार्ट में हमें फोल्ड कर लेना है और जो खुला साइड है उसे हमें अपने आगे की साइड रखना है और कपड़े को सिर्फ दो पार्ट में ही फोल्ड करना है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अब कपड़े में हमें यहाँ पे इस तरीके से आधी आधी इंच पे निशान लगाना है जो कि हमारा सिलाई में जाना वाला है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से निशान को बिल्कुल सीधा मिला देना है, बिल्कुल बराबर बराबर से निशान मिलाना है। उसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें लंबाई सबसे पहले, तो जितना लंबा रखना है उतना रख उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। हमारे कुर्ती की लंबाई रखनी है 40 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा 42 इंच पे निशान लगाए हैं। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और अब हिप के लिए निशान लगाना है, हम 13 इंच पे लगा रहे हैं। अगर आप 12 इंच रखना चाहते हैं तो 12 इंच पे भी लगा सकते हैं। और 13 इंच का हाफ करने पे 6.5 इंच आता है, तो हम बीच में 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब सारे निशान को बिल्कुल बराबर से मिला देना है। जैसे सिंपल सूट की कटिंग होती है सेम उसी प्रकार से ही निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कोट कॉलर बनाना है, तो उसके लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे लगा लेना है निशान बिल्कुल बराबर से, आधी इंच जो है उसे छोड़ करके। और अब चेस्ट है 32 इंच, तो 32 को 4 भाग में बांटेंगे तो 8 आएगा। 8 इंच पे लगाएंगे, आधी इंच को ध्यान में रख करके छोड़ना है हमें, उसके बाद ही लगाना है फिटिंग का निशान। कमर 28 इंच है तो 7 इंच पे लगाया है और टमी भी 32 इंच है तो 8 इंच पे निशान लगाया है। अब हम मार्जिन के लिए 2-2 इंच मार्जिन लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल बराबर से निशान लगाना है। उसके बाद सारे निशान को मिला देना है एक दूसरे से। हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाना भूल गई थी, नीचे वाले निशान पे भी 6.5 इंच पे लगा लेना है। उसके बाद बिल्कुल बराबर पार देना है और इस तरीके से निशान को एक दूसरे से मिला देना है। मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेना है बिल्कुल बराबर से। अब ये हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और कोने पे मिला देंगे। नीचे यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद हल्की सी गोलाई लगा देंगे जिससे हमारे सूट का कोना नहीं निकलेगा। अब हमारा निशान लग चुका है, इसकी हमें कटिंग कर लेना है। सबसे पहले यहाँ आर्म होल पे एक गोलाई लगा देंगे छोटी से। अब हमारी गोलाई लग चुकी है, इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर बराबर से। अब हमारी कटिंग हो चुकी है सूट की बिल्कुल बराबर से। अब हम इसमें कट लगाएंगे, हर निशान से हमें इस तरीके से कट लगा लेना है। उसके बाद कैंची की नोक की मदद से निशान को दूसरी साइड भी लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। इसी तरीके से लगाना है निशान। अब हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। अब गले के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंच पे निशान और नीचे को भी 3 इंच पे, और निशान को बिल्कुल बराबर से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें लगा देंगे हल्की सी गोलाई, उसके बाद कटिंग कर लेंगे कपड़े को। ये हमारा आगे का गला कट चुका है और बिल्कुल बराबर गला कटा है। हम यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगा करके निशान को इस तरीके से मिला करके 1/2 इंच कटिंग कर देंगे जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब हमारा आगे का पार्ट कट चुका है। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने दूसरा कपड़ा लिया है, उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है बराबर से। अब हमें बंद साइड अपनी साइड रखना है और इस तरीके से आगे वाले पार्ट को रख देना है कपड़े के ऊपर, बिल्कुल बराबर से रखना है। और यहाँ पे 1/2 इंच पे गोलाई लगाना है क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। और 1/2 इंच पे गोलाई लगाने के बाद बिल्कुल बराबर से कपड़े को कटिंग कर लेना है, बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करना है। अब हमारा दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुका है। अब दूसरे पार्ट में भी कट लगा लेना है सेम जगह पे। अब हमारा दोनों पार्ट कट चुका है फिनिशिंग के साथ। अब आगे वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच पे इस तरीके से गोलाई लगाना है ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए, और दो पार्ट को पकड़ करके इस तरीके से 1/2 इंच का कपड़ा कटिंग कर देना है। अब हमारा दोनों पार्ट कट के तैयार है। अब इसकी हम स्टिचिंग बताएंगे, उसके लिए हमें इस तरीके से
रखना है आगे वाले पार्ट को बिल्कुल बराबर से। और ये जो हमने पट्टी ली है ये हमारी 4 इंच की पट्टी है, इसको इस तरीके से हम रख लेंगे कपड़े के ऊपर और किनारे किनारे से 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे 1/2 इंच पे सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हो किनारे किनारे से। अब अंदर को हम इसे फोल्ड कर देंगे, अंदर को फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से। मेरे पास ये सूट का ही कपड़ा है, अगर आपके पास अलग कपड़ा है तो आप अलग साइड का कपड़ा लगा सकते हैं। अब इस पे हम 1.5-1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस पे हम सिलाई भी लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। हमें सिलाई लगानी, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस पे हम कटिंग लगाएंगे, हल्का हल्का कट, यहाँ से हमें कोना कट कर देना है हल्का हल्का। उसके बाद इसको यहाँ पे हल्का कट करेंगे, उसके बाद अंदर को फोल्ड कर देंगे। कैंची की नोक की मदद से कोना निकाल ले रहे हैं और अच्छे से इसे हम अंदर को फोल्ड कर देंगे बिल्कुल बराबर से। फोल्ड करना है। अब हमारा कपड़ा अंदर को फोल्ड हो चुका है इस तरीके से। अब इसको हम कर लेंगे प्रेस, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रेस करना है। अब हमारा कपड़ा प्रेस हो चुका है और अंदर को हम 1/2 इंच अंदर को फोल्ड करके कपड़े को किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर हम जो बैक पार्ट हमारा है उसको इस तरीके से रख लेंगे और कंधे को जोड़ देंगे। बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा है और आगे वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे से 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे शोल्डर पे। बिल्कुल किनारे किनारे से लगाना है सिलाई। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगाई है, आप देख सकते हो। अब इसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और अब हम बनाएंगे कॉलर, तो उसके लिए हम मशीन पे भी सिलाई करके दिखाएंगे। और यहाँ से हमें कोने को बिल्कुल बराबर से पकड़ना है और बीच में कट लगा देना है, बिल्कुल जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई वहीं से हमें पकड़ करके कपड़े को नाप लेना है कि कितने इंच आ रहा है। आप देख सकते हो कि 7 इंच 2 सूत है, तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, 3.5 इंच चौड़ा है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर से और यहाँ से अब हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान, सिर्फ 3 इंच पे लगाना है। और नीचे लगाना है हमें इस साइड 2.5 इंच पे और दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 7 इंच 2 सूत पे निशान लगा लेना है बिल्कुल बराबर से। इस निशान को अब बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब इस तरीके से हम दोनों साइड के निशान को मिला देंगे, उसके बाद इस कटिंग करेंगे बिल्कुल बराबर से। आप देख सकते हो कि मेरा निशान बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब हम इसको कटिंग कर दे रहे हैं यहाँ से। अब हमारी कॉलर भी कट के तैयार है, इसको हम रखेंगे कपड़े के ऊपर। मैंने 2 पीस कपड़ा कट कर लिया है और उल्टी साइड रख करके इसको हम अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे इस तरीके से। अब हमारी पेस्टिंग बुकरम चिपक चुकी है। अब इस कपड़े को हम सीधा रखेंगे और अंदर के साइड को सीधा रखते हुए कपड़े पे इस पर सिलाई लगाएंगे, तो हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर से सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर देना है, कोने कोने पे हल्का से कट लगा देना है। उसके बाद यहाँ से भी हम कपड़े को 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब इसको हम अंदर को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और सीधा करने के बाद इसका कोना भी हम कैंची की नोक की मदद से निकाल लेंगे बिल्कुल बराबर से। दोनों साइड का कोना हमें निकाल लेना है और उसके बाद भी इसे प्रेस कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस तरीके से हमारी कॉलर बन चुकी है, इसको फोल्ड कर लेंगे बीच से और बीचों बीच में एक कट लगाएंगे। अब इसको कट लगाने के बाद हम कॉलर को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए मैंने इस तरीके से पार्ट को लिया है और सीधी साइड से हम इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। दोनों कट को हमें बिल्कुल बराबर रखना है और 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसी पे हमें सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। और जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहीं तक ही सिलाई लगाना है क्योंकि उतनी बड़ी ही कॉलर हमने बनाई है।
अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। अब हमारी सिलाई इस साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है और हमें याद रखना है कि कॉलर सीधी साइड से ही लगानी है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसको हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। आप इस तरीके साइड से देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है। अब अंदर को हम फोल्ड करते हुए आधी इंच का जो हमारा मार्जिन है ये, इसको अंदर को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और किनारे किनारे से इस पर भी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है और अंदर को मार्जिन का वाला कपड़ा फोल्ड कर देना है। बिल्कुल किनारे किनारे से ही सिलाई लगाना है, जिससे हमारी कॉलर की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा आती है और हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडीमेड जैसी घर पे ही तैयार हो जाती है। अब इस तरीके से हम किनारे किनारे से इस पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी कॉलर बहुत ही प्यारी बनेगी। किसी निकुली चीज़ से इसे अंदर कर देना है और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं बिछिया। अब हमारी कॉलर बनके तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हो। अब इसको हम ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हमारी कॉलर बन चुकी है, तो इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और गले के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे, जितना हमें कलर रखना है उतने पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। मैंने 6.5 इंच पे लगाया है और 6.5 इंच के नीचे हम दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारी कॉलर बहुत ही प्यारी बनके तैयार होती है और देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब यहाँ से हम इसको 1/2 इंच ऊपर रखेंगे और पिन की मदद से रोक देंगे, क्योंकि हमें यहीं से सिलाई लगाना है। अब हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे ऊपर से, क्योंकि हमें बंद कहाँ तक करना है। बंद करने के लिए मैंने 25 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा 16-17 इंच, आप जितना बंद रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैंने 17 इंच पे बंद किया है। अब इस पर हम लगाएंगे सिलाई, बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम बाजू कटिंग करना बताएंगे। अगर आप सिंपल बाजू बनाना चाहते हैं तो सिंपल बाजू भी बना सकते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 पार्ट में फोल्ड किया है। इसकी हमने चौड़ाई रखी है 9 इंच, लंबाई रखी है 21 इंच। अब इस नीचे की साइड भी हम 21 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, 3.5 इंच पे, और यहाँ से 4 इंच पे उसके बाद इस पर गोलाई लगा देना है। अब हमारी गोलाई लग चुकी है, यहाँ से हम लगाएंगे निशान 6 इंच पे। उसके बाद दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से इस तरीके से मिला देंगे तिरछा। उसके बाद अब हमारी बाजू को कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान है। हमारी बाजू कट चुकी है सिंपल तरीके से। अब इस पर हम यहाँ कट लगाएंगे और डिजाइन बनाने के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है और आगे की साइड 1.5 इंच पे। उसके बाद इस पर हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हम चुन्नट बनाएंगे उससे हमारी बहुत ही अच्छी बाजू बनके तैयार होगी। तो 2-2 इंच पे हम निशान लगा लिया। अब हमारी निशान लग के तैयार हो चुकी है बाजू की डिजाइन के लिए। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमारी दोनों बाजू कट चुकी हैं, अब हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने एक और कपड़ा कटिंग किया है, ये देख लीजिए। इसका हमने चौड़ाई लिया है 3 इंच और लंबाई 12 इंच। अब इस तरीके से हम इस पर लगाएंगे प्लेट्स। प्लेट लगाने के लिए हम यहाँ से मशीन पे इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे पूरे बाजू में। हमें प्लेट बिल्कुल छोटी छोटी लगानी है, बस हमारा डिजाइन बन के तैयार हो जाए इतना ही प्लेट लगाना है। अब इस तरीके से हम पूरे में छोटी छोटी प्लेट लगा देंगे। अब हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है। अब इस कपड़े को हम कर लेंगे सीधा। आप देख सकते हो दोनों साइड से हमारी प्लेटें बिल्कुल बराबर लगी हैं और डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। अब इस पर हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए हमें कपड़े को उल्टा करना है और इस वाले कपड़े को ले लेना है और यहाँ से हमें इस तरीके से रख करके किनारे किनारे से 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेना है।
अब हमारी सिलाई लग चुकी है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दिया है मैंने, और यहाँ से हम हाफ इंच अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी बाजू भी बहुत ही प्यारी बन के तैयार होती है। बाजू भी बनाना बहुत सिंपल और आसान है। अब इस तरीके से हमारी बाजू बन चुकी है, ब्यूटीफुल बाजू बनी है। अब इसको हम कुर्ती में अटैच कर देंगे। उसके लिए आगे की साइड हम इस तरीके से बीचों बीच में हम जो ये निशान है रख करके किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। अब हमारी बाजू भी लग के तैयार हो गई है एक साइड। अब दूसरी साइड इसी तरीके से लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखेंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही मजबूती के साथ तैयार हो। अब हमारी बाजू लग चुकी है, इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी बना करके अटैच कर लेंगे। अब हमारी दोनों बाजू लग चुकी है, इस पर लगाएंगे फिटिंग। फिटिंग लगाने के लिए हम यहाँ पे मोहरी रखेंगे 4.5 इंच। उसके लिए 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस वाले निशान को हम जो हमारी फिटिंग के निशान है वहाँ मिला देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है 1 इंच का मार्जिन रखते हुए, और जो ये हमारी फिटिंग वाला निशान है इसी निशान से हमें मिला करके फिटिंग का निशान लगा सिलाई लगा देना है। जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया वहीं से सिलाई लगाना है, और यहाँ से हमें किनारे किनारे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई पूरे में लग के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम आगे की साइड चुन्नट बनाएंगे बाजू में। उसके लिए हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले निशान। तो हम निशान लगाने के लिए यहाँ से लगाएंगे पहले 1 इंच पे निशान, उसके बाद 2-2 इंच पे नीचे की साइड भी 5 प्लेट के लिए 5 निशान लगाएंगे। उसके बाद अब इस पे हम छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे, जिससे हमारी बाजू का लुक बहुत ही प्यारा आता है। बिल्कुल किनारे किनारे से छोटी छोटी प्लेटें लगानी है और सिलाई भी बिल्कुल बारीक वाली लगाना है। अब हमारी 5 प्लेट लग के तैयार हो चुकी हैं और हमारी बाजू डिजाइन बहुत ही प्यारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमने दोनों साइड की बाजू बना ली है और दोनों साइड की फिटिंग भी लगा ली है और हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारा नीचे का जो साइड है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी कुर्ती का लुक नीचे से भी बहुत ही प्यारा आएगा। इसी तरीके से हमें फोल्ड करते हुए किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है पूरे में फिनिशिंग के साथ। अब हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कि कॉलर भी हमारी बहुत ही प्यारी बनी है। आपको मेरी कुर्ती कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।